हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बलोठिया ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो एसएससी 10 प्लस 2 का एग्जाम जो 3 जुलाई 2019 को हुआ है, उसमें जो शिफ्ट फर्स्ट में जितने भी जीके व जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करेंगे। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, बट उन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मृति ईरानी किस मंत्रालय की मंत्री है, या स्मृति ईरानी किस मंत्रालय से संबंधित है। तो देखो, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री है, और टेक्सटाइल जो मिनिस्ट्री है वो भी इन्हीं के अंतर्गत आती है। अब देखो, स्मृति ईरानी ने जो 17वीं लोकसभा में कहां से चुनाव लड़ा था, अमेठी से चुनाव लड़ा था और राहुल गांधी को हराया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 जून को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखो, डे से जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो, 3 जून को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाते हैं। अब देखो, 21 जून भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे 21 जून को किस रूप में मनाते हैं, योगा डे के रूप में मनाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्यंत्र से संबंधित हैं। तो देखो, शिव कुमार शर्मा है वो कौन से वाद्यंत्र से संबंधित है, संतूर वाद्यंत्र से संबंधित हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बीसीसीआई के लोकपाल कौन हैं। तो देखो, बीसीसीआई के लोकपाल कौन हैं, जस्टिस डीके जैन हैं। अब देखो, बीसीसीआई की लोक मतलब फुल फॉर्म क्या होती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और ये जो बीसीसीआई के लोकपाल होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है। तो देखो, इंदिरा सागर जो बांध है वो कौन से राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थित है। और ये कौन सी नदी पे बना हुआ है, ये नर्मदा नदी पे बना हुआ बांध है। अब देखो, इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 को भारत की तात्कालिक प्रधानमंत्री किसने रखी थी, इंदिरा गांधी ने इस बांध इंदिरा सागर बांध की क्या रखी थी, नींव रखी थी। तो देखो, बांध से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक किससे संबंधित होता है। तो देखो, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक किससे संबंधित होता है, ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी से संबंधित होता है, रक्तचाप से संबंधित होता है। और जो सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। अब देखो, जो सिस्टोलिक होता है वो क्या होता है कि जब हृदय का संकुचन होता है तो उस समय जो धमनियों पे जो दबाव पड़ता है, उस समय वो जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। और जब हृदय का क्या होता है, विस्तार होता है यानी कि हृदय क्या होता है, रिलैक्स होता है, तो उस समय जब धमनियों पे क्या लगता है, न्यूनतम दाब लगता है, और उस दाब को क्या कहते हैं, डायसिस्टोलिक दाब कहते हैं। अब देखो, इसमें जो सिस्टोलिक दाब का मान कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg होता है, और डायसिस्टोलिक जो दाब होता है वो कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg होता है। और रक्तचाप को किससे नापते हैं, स्पेग्नोमैनोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने दूसरा ICC वर्ल्ड कप कब जीता। देखो, वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम हर शिफ्ट में कि 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक हर शिफ्ट में वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो, भारत का दूसरा ICC वर्ल्ड कप कब जीता था, तो देखो कब जीता था, 2011 में जीता था। और उस समय जो कप्तान थे ICC वर्ल्ड, उस टीम के कप्तान कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी थे। और सबसे पहले कप जीता था 1983 में जीता था, उस टाइम पे कप्तान कौन थे, इंडियन टीम के कपिल देव थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि RBI ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यों की समिति का गठन किया है। तो किसकी अध्यक्षता की, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्य, तो नंदन नीलकणी की अध्यक्षता में। और ये कब गठित की गई थी, January 2019 को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो देखो, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया था, पिंगाली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था, और ये क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की धार बढ़ाने वाले पत्थर पर रगड़ी जाती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? भगत सिंह ने का है। और भगत सिंह ने किस और कौन सा नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी किसने दिया था? भगत सिंह ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रिपल स्किल्स खेल से संबंधित है, तो देखो जो ट्रिपल्स है वो कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। अभी देखो जो रिसेंटली द वर्ल्ड बॉडी गवर्निंग जो बैडमिंटन BFA ने मई 2019 में गेम में क्या कर दिए, दो नए फॉर्मेट जारी किए हैं, एक तो एयर बैडमिंटन और एक ट्रिपल्स। तो इस कारण इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ट्रिपल स्किल्स खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश की पद्मा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जो फूलों की घाटी है जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? चमोली उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोलोमाइट किसका एस्क है, तो देखो मैंने आपको कल इसका मतलब कि कल जो एग्जाम हुआ था उसमें गैलेना का एस्क पूछा था कि गैलेना किसका एस्क है, तो देखो उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि डोलोमाइट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, एल्यूमिनियम के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये दोनों भी एस्क मैंने आपको नीचे बताया था। तो देखो डोलोमाइट किसका एस्क होता है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम का एस्क क्या होता है? डोलोमाइट होता है। अब देखो जो पिच ब्लेड होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एस्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पिच ब्लेड होता है वो किसका एस्क होता है? यूरेनियम का एस्क होता है। बॉक्साइड होता है वो किसका एस्क होता है? एल्यूमिनियम का एस्क होता है। हेमेटाइट होता है वो किसका एस्क होता है? लोहे का एस्क होता है। अब देखो जो एस्क होते हैं वो क्या होते हैं कि जिस खनिज से धातु आसानी से और कम लागत में प्राप्त की जा सकती है, क्या कहलाते हैं? एस्क कहलाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पास्कल का नियम किसने दिया, किससे संबंधित है, तो देखो पास्कल का नियम किससे संबंधित है? दाब से संबंधित है। किससे संबंधित है? दाब से संबंधित है। कि देखो जब किसी बंद बर्तन में जब द्रव के ऊपर क्या डाला जाता है, कि कोई बंद पात्र है इसमें क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है। अब जैसे ये बंद पात्र है और इसमें बंद पात्र में जब द्रव के ऊपर दबाव डाला जाता है, तो दबाव क्या होता है? सभी बिंदुओं पर क्या रहता है? इक्वल समान रूप से लगता है। यही क्या था? एक पास्कल का नियम था। अब देखो दाब होता है उसका क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अब देखो अगर अपन क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो दाब का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल को अगर कम करेंगे तो दाब का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसका दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या इसे क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। अब देखो दाब होता है वो क्या होती है? एक अदिश राशि होती है, यानी कि दाब में दिशा का ज्ञान नहीं होता है। आपको पता है दो प्रकार की राशि होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अब देखो वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है? बार होता है। और वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सस्तम कोटा झील किस राज्य में है, तो किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य के कोल्लम जिले में स्थित है। कहाँ पे है? केरल के कोल्लम में स्थित है। और केरल में मीठे पानी की क्या है? ये सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के प्रथम गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के प्रथम गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने हैं? कुमार संकारा बने हैं। और ये कुमार संकारा के थे पूर्व श्रीलंकाई कप्तान थे, श्रीलंका के क्या थे? कप्तान थे। अब देखो मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1787 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन UK में इसका हेडक्वार्टर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS का पास का क्या मतलब होता है, तो देखो पास का क्या मतलब होता है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। पास का क्या मतलब होता है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, कि डेवलपर्स को इंटरनेट पर एप्लीकेशन और सेवाओं के निर्माण करने के लिए अनुमति देने के लिए एक वातावरण क्या करवाता है? उपलब्ध करवाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के किस शहर में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा? तो कहाँ पे बना है? गुजरात के राजकोट के पास है, हिरासर में। कहाँ पे बना है? गुजरात के राजकोट के, राजकोट से 36 किलोमीटर दूर हिरासर में क्या बना है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है और इसका नाम क्या है? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया है। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? 648 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवेन्यू एक्ट कब पारित हुआ था? तो देखो, रिवेन्यू एक्ट कब पारित हुआ था? 1 जुलाई 1862 को ये क्या हुआ था? रिवेन्यू एक्ट पारित हुआ था। और इसे किसने पारित किया था? कि यूएसए के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने इस रिवेन्यू एक्ट को क्या किया था? पारित किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें। धन्यवाद।